वाराणसी गोरखपुर फोर लेन हाईवे डाडी टोल प्लाजा पर यात्री व टोलकर्मी के बीच जमकर हुई मारपीट, टोलकर्मी के तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत। खबर गाजीपुर से है, जहां 2 जुलाई की रात भोर में मऊ की तरफ से आ रहे चार पहिया वाहन सवार युवक टोल प्लाजा कर्मी को बोले कि हम क्राइम ब्रांच से है, बैरिकेटिंग हटा लो, तो कर्मचारियों ने बोला कि 9 नंबर पर जाकर एंट्री करा लीजिए। उसके बाद वाहन चालक 9 नंबर पर गए और टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट करने लगे। इसके बाद इन लोगों ने अपने अन्य साथियों को भी फोन कर बुलाया और टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट किया। इस दौरान 2 अन्य वाहनों से आए साथियों ने टोल कर्मियों पर वाहन भी चढ़ा दिया। बुधवार की रात्रि फोर व्हीलर से गाड़ी आए VIP लेन पे, 10 नंबर लेन पे, तो वहाँ पे अपना क्राइम ब्रांच बता रहे थे। तो स्टाफ हमारा बोला कि क्राइम ब्रांच का, तो अपना कार्ड का एंट्री वहाँ पे कार्ड दिखा कर निकल जाइए। लेन पे गए, वहाँ पे उनके फास्ट बोले कि फास्टैग से हमारा पैसा ले लो। फास्टैग उस समय बैलेंस नहीं था, तो हमारा स्टाफ बोला कि अपना फास्टैग में रिचार्ज करके 2 मिनट बाद गाड़ी आप लेकर आइए, आप निकल जाइए। तो उन्होंने बहसबाजी गाली गलौज करने लग गए, नशे में पूरा दूध दे गाली गलौज करते हुए, फिर उन्होंने बह के बहस करने लग गए। बहस करने के बाद फिर बोले कि हम अपना पावर दिखा देंगे, हमें हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं है। भाई 2 गाड़ी और बुलाए, वेगनार और स्कॉर्पियो से आए, उसमें कई लोग हमारे स्टाफ के पास इकट्ठा होकर आए, पूरे हमारे स्टाफ पे हमला किए, मार तोड़ मारते हुए सब न करते हुए, फिर 2 व्यक्तियों पे गाड़ी चढ़ाए, जिसके छाती में चोट है और एक का पैर में चोट है। इसके लिए इसकी इस घटना की जानकारी आप लोगों ने थाने में भेजा है क्या? जी, हमने सूचना दिए थे, SO साहब को कॉल किए और सब अपना आई, अपना जो भी इंक्वायरी किए करके गए, जो भी हमने अपने प्राइवेट से अपना इलाज कराए बच्चों की, फिर बात करते हुए अभी तक हमने मुकदमा दर्ज, पता चला दर्ज हुआ 15 व्यक्ति पे, अज्ञात व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज कराई गई है। अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया।